भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर है। रतन जोत के बीज खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। बड़ी खबर भीलवाड़ा से इस वक्त है, रतन जोत के बीज खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी। 11 बच्चों को भीलवाड़ा चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। गंगापुर के कोशिथल गांव की एक घटना है। अस्पताल अधीक्षक अरुण गौड़ भी चिकित्सालय पहुंचे हुए हैं। महात्मा गांधी अस्पताल के मातृ शिशु यूनिट में बच्चों का इलाज चल रहा है। अब वहां पर डॉक्टर्स की टीम ये देख रही है कि क्या वजह हो सकती है। बहरहाल जानकारी ये कि रतन जोत के बीज खाने की वजह से ही बच्चों की तबीयत खराब होनी शुरू हुई। 11 बच्चों को भीलवाड़ा चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया और गंगापुर के कोशिथल गांव के ये बच्चे रहने वाले हैं। अस्पताल अधीक्षक अरुण गौड़ भी पहुंचे हैं, जैसे उनको सूचना मिली जिला अस्पताल। महात्मा गांधी चिकित्सालय के मातृ शिशु यूनिट में बच्चों का इलाज चल रहा है। बड़ी खबर भीलवाड़ा से इस वक्त है। 11 बच्चे जिनकी तबीयत बिगड़ी रतन जोत के बीज खाने के बाद, अस्पताल में इनको भर्ती करवा दिया गया, वहीं पर इनका उपचार चल रहा है। बच्चों की हालत को लेकर जानकारी जुटाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल महात्मा गांधी चिकित्सालय के मातृ शिशु यूनिट में सभी बच्चे भर्ती हैं, वहीं पर उनका उपचार चल रहा है। अब जैसे ही बच्चों की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई, परिवार में हड़कंप। अब सभी परिवार वाले बच्चों को अस्पताल लेकर के पहुंचे। 11 बच्चों की हालत खराब हुई और इसी पर एक डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी नवीन जोशी जुड़ चुके हैं। नवीन, सबसे पहले तो कैसे हैं सभी बच्चे और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अभी अभी दीपा, इस मामले में जो हॉस्पिटल अधीक्षक है डॉक्टर रोहन को उनसे हमारी बात हुई है, वो उन्होंने कहा पूरी तरह से चिकित्सकों की टीम, चिकित्सकों की स्पेशल टीम बनाई है जिन बच्चों को बीच ऑब्जर्वेशन में रखे हुए, और उन बच्चों की स्थिति अभी लगातार सामान्य होती जा रही है। जो दलदल महोत्सव होता है गांव में, वैसे तो कोविड के चलते सब जगह पर रोक थी, मगर कुछ समय पर जिस तरह के कार्यक्रम हुए उसके बाद में बच्चों ने रतन जोत के बीज खा लिए थे दीपा, और इस बीज के बीज को खाने के बाद में ये घर चले गए और देर रात को उनकी दूर दूर कदम बिगड़ने लगी। आज सुबह इनकी जाने कदम बिगड़ने पर इनको महात्मा गांधी चिकित्सालय भिलवाड़ा में भर्ती कराया गया। लेकिन 25 बच्चे बताए जा रहे हैं जिन्होंने रतन जोत के बीज का सेवन अनजाने में कर लिया और इनकी तबियत बिगड़ गई, मगर अभी उनकी स्थिति में लगातार सुधार हुआ है दीपा। अच्छा, ठीक है नवीन, शुक्रिया आपका। आपने कहा कि अभी बच्चों की स्थिति में सुधार है और डॉक्टर्स की निगरानी में सभी हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के।